गाइस, इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट में हाइपरलिंक क्रिएट करना सीखेंगे। तो पावर पॉइंट में आप बहुत टाइप के हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके लोकल सिस्टम में कोई फाइल्स हो, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, या कोई वीडियो फाइल हो, या कोई भी टाइप की फाइल हो, उसका आप हाइपरलिंक बना सकते हो। ऐसे ही कोई वेब लिंक हो, मतलब कोई वेबसाइट का लिंक हो, या कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक हो, तो उसका भी आप हाइपरलिंक बना सकते हो। या फिर आपकी सेम ही पीपीटी में आपको दूसरी स्लाइड पे जाना है, तो उसका भी आप हाइपरलिंक बना सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम जो हाइपरलिंक सीखेंगे वो है हाइपरलिंक टू फाइल। मतलब अगर हमें लोकल सिस्टम से कोई फाइल को एक्सेस करना है, तो उसका आप हाइपरलिंक कैसे बनाओ। ऑलराइट, तो गाइज, ये पीपीटी फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के बारे में है। एंड यहाँ पे फिफ्थ स्लाइड है, वो है हाइपरलूप एंड मेगलेव ट्रेन्स के बारे में। तो इसके ऊपर मैंने 5 ब्रीफ पॉइंट्स बताए हैं, बट लेट से आपको थोड़ी और डिटेल चाहिए इसमें, तो यहाँ पे आप अलग से कुछ लिख सकते हो कि मोर डिटेल्स कैन बी फाउंड हियर, फिर उस पर एक लिंक बना सकते हो, या फिर लेट से इसका जो हेडिंग है इसी को मैं हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो इससे आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप फिर से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे भी आपको लिंक का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है उनको एक्सेस करना सीखते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, एंड फिर यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो कि कहाँ पे आपकी फाइल है, उसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे ये ब्राउज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, तो अपनी फाइल यहाँ पे जो फाइल्स है उसमें है। एंड यहाँ पे मैं हाइपरलूप एंड मेगलेव ट्रेन्स वाला जो वर्ड फाइल है उसको सेलेक्ट कर लूंगा, फिर ओके पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्लाइड की जो हेडिंग थी वो अब एक हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गई है। एंड यहाँ पे इस हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए आप इसके ऊपर कर्सर लेके आओ, फिर राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे ओपन लिंक का ऑप्शन दिखेगा, उससे आप ओपन कर सकते हो, या फिर अगर इस पे आप कर्सर लाके कंट्रोल प्रेस करोगे तो भी क्लिक का ऑप्शन आएगा, या फिर बेस्ट मोड है आप स्लाइड शो मोड में जाओ, तो स्लाइड शो मोड में जब आप कुछ प्रेजेंट कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली इस लिंक पे क्लिक का आइकन आएगा, तो इस पे क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो लोकल डॉक्यूमेंट्स है उनका यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। अभी के लिए मैं एस्केप पे प्रेस करके इसको नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने एक लोकल वर्ड फाइल को एक्सेस करना सीखा। इसी प्रकार से आप कोई टेक्स्ट या एक्सेल फाइल या कोई दूसरी लोकल फाइल है उसका भी यहाँ पे हाइपरलिंक बना सकते हो, उसको यहाँ पावर पॉइंट से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 6 स्लाइड है, वो है फ्लाइंग कार्स एंड अर्बन एयर मोबिलिटी के बारे में। एंड यहाँ पे आपको एयरप्लेन की एक इमेज दिख रही होगी, तो मैं इस एयरप्लेन की इमेज पे एक वीडियो का हाइपरलिंक इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो पावर पॉइंट में बेसिकली आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो शेप हो, इमेज हो, टेक्स्ट डेटा हो, या कोई आइकन या 3D मॉडल हो। ओके, तो यहाँ पे इमेज पे हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ लिंक का ऑप्शन दिखेगा, या राइट क्लिक करोगे तब भी आपको लिंक का ऑप्शन दिखेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ लिंक पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे भी आपको वही सारे सेम ऑप्शंस दिखेंगे। एंड अभी के लिए क्योंकि मेरे को कोई एग्जिस्टिंग फाइल एक्सेस करना है जो पहले से ही लोकल सिस्टम में वीडियो है उसको एक्सेस करना है, तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ब्राउज करूंगा, तो जहाँ पे भी अपनी वीडियो फाइल है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो अपनी वीडियो फाइल यहाँ फाइल्स वाले फोल्डर में, और अभी यहाँ पे नहीं दिखा रही है क्योंकि मैं यहाँ कुछ सेलेक्टेड फाइल्स को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको ऑल फाइल्स पे क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखो एयरप्लेन सैंपल वीडियो दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करके फिर ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी ओके पे क्लिक करूँ, तो अभी ये एक लिंक क्रिएट हो गया। अगर आप जैसे ही स्लाइड शो मोड में जाओगे तो यहाँ पे इसका लिंक दिखेगा, मतलब क्लिक करने का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने इमेज है उसको एक हाइपर लिंक में क्रिएट करके देखा है, और इस हाइपर लिंक से हम एक वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड से हमें एग्जिस्टिंग फाइल यूज नहीं करना, हमें ऑन द फ्लाई या एकदम नया यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और उसका लिंक इंसर्ट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये पीपीटी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं जब ये क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो उनका कुछ फीडबैक आ रहा है, सजेशन आ रहा है, तो वो सजेशन लेट से मेरे को कैप्चर करना है। तो आप यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट खुद से क्रिएट कर सकते हो, मतलब लोकल डॉक्यूमेंट। तो लेट से जो 3rd स्लाइड है उसमें मैंने एक छोटा सा यहाँ पे टेक्स्ट एड कर रखा है, इफ एनी फीडबैक एड हियर। तो यहाँ पे लेट से जो एड हियर है इस टेक्स्ट पे मैं एक लिंक क्रिएट करूंगा और हम एक नया फाइल यहाँ से क्रिएट करके देखेंगे। तो आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, तो आपको यहाँ लिंक का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। तो गाइज, यहाँ पे पहला ऑप्शन था एग्जिस्टिंग फाइल का जो हमने एक्सप्लोर किया, एंड यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट को, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पे देखो ये फाइल का नाम पूछ रहा है, लेट से मैं इसका नाम दे दूंगा फीडबैक, और अगर आपको लेट से टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है तो TXT एक्सटेंशन लगाओ। अगर आपको यहाँ पे लेट से एक्सेल फाइल चाहिए तो एक्सेल SX ये करके आप फाइल बनाओ, तो यहाँ पे हम एक्सेल फाइल बनाएंगे। अगर आपको वर्ड फाइल चाहिए तो .docx, ये आप एक्सटेंशन देख सकते हो कि कौन सा एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है, उसी हिसाब से आपकी यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ऑल राइट, एंड ये इस फाइल का लोकेशन है कहाँ पे सेव होगा, इसको आप चेंज कर सकते हो, तो हम चेंज करेंगे इसको, और लेट से जो फाइल वाला फोल्डर है इसमें मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपनी फाइल का नाम है feedback.xlsx, मतलब ये एक्सेल फाइल है। ओके पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे हैं वेन टू एडिट, मतलब इस फाइल को आपको कब एडिट करना है। पहला है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, बाद में करो, या एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, अगर अभी करना है तो इसको सेलेक्ट रहने दो। तो हमें इस डॉक्यूमेंट में अभी कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ ओके पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्सेल फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम है feedback.xlsx, और यहाँ पे अपना कोई भी फीडबैक आपको जो ठीक लग रहा है वो ऐड कर सकते हो। लेट से मैं लिखूंगा feedback1, तो यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ मोर स्लाइड्स टू बी एडेड ऑन ईवी टॉपिक, ईवी टॉपिक के ऊपर और स्लाइड्स ऐड करनी है लेट से, और कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। ऑल राइट, तो अभी के लिए हम उसी पावर पॉइंट पे आ जाते हैं एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ और फीडबैक ऐड करना है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो स्लाइड शो मोड में जाओगे तो यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आएगा, तो इस पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने जो पहला फीडबैक किया था वो यहाँ पे सेव हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया फीडबैक ऐड कर देता हूँ feedback 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइड काउंट सेल नॉट एक्सीड 15, मतलब टोटल स्लाइड से वो 15 से कम रहनी चाहिए, और कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो गाइज इस प्रकार से आप पावर पॉइंट में हाइपरलिंक वाले ऑप्शन से एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, उनको सेव कर सकते हो। अगर फिर से उस फाइल को एक्सेस करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पावर पॉइंट में हाइपरलिंक टू फाइल वाले ऑप्शन एक्सप्लोर किए कि कैसे हम एग्जिस्टिंग फाइल से उनको हाइपरलिंक की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कोई नॉर्मल टेक्स्ट वर्ड या एक्सेल फाइल हुई या वीडियो फाइल हुई। ऐसे ही अगर आपको हाइपरलिंक की मदद से नई फाइल क्रिएट करनी है, उसमें कुछ ऐड करना है कंटेंट, तो आप वो भी कर सकते हो।